তাহলে ইউ হ্যাভ অলরেডি লার্নড অ্যাবাউট ইভলিউশন, নাও আই ডিসকাস অ্যাবাউট অ্যাডাপ্টেশন, বিহেভিয়ার অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেশন। ক্যা বিহেভিয়ার মতলব জো ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है वो क्या खाता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे रहता है, कहाँ पे रहता है, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कैसे करता है, ये सब होच्छे उसका बिहेवियर। तो बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिनोट द एक्सप्रेशन ऑफ एक्टिविटीज एज पर विच और अंडर कंपल्शन इन द एनवायरनमेंट। जैसे जहाँ पे कोल्ड वेदर है वहाँ पे जो एनिमल रहता है उसका बिहेवियर अलग सा है, जो गर्मी में रहता है डेजर्ट में जैसे कैमल वो अलग सा है। तो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि एनिमल कैसे रहता है, उसका एडाप्टिव फीचर क्या क्या है। डेजर्ट में जो प्लांट एनिमल है उसका एडाप्टिव फीचर अलग सा है, कोल्ड एरिया में जो है उसका अलग सा है। तो देखो कोल्ड एरिया में जो है उसको फार जो बियर है पोलार बियर जो डॉग है उसका बॉडी में बड़ा बड़ा हेयर दिखाई देता है जिसको बोलता है फार, ठंडा से प्रोटेक्ट करने के लिए। और डेजर्ट में जो है उसमें क्या है, डेजर्ट में तो गर्मी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा चाहिए, इसीलिए वाटर को कंजर्व करने के लिए बॉडी में अलग सा फीचर है। जैसे ऊंट का हम्प है, वाटर सैक है बॉडी के अंदर, यूरिन कम पास होता है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज इथोलॉजी। एनिमल बिहेवियर का जो साइंटिफिक स्टडी है उसे क्या बोलता है, इथोलॉजी। अच्छा एडाप्टेशन क्या है, एडाप्टेशन रेफर्स टू द फेनोमेनन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। एडजस्ट करना अर्थात जैसा एनवायरनमेंट है जैसा वेदर है उसके साथ जो एडजस्ट करना है, इसलिए बॉडी में कुछ फीचर दिखाई देता है जिसे क्या बोलता है, एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन प्लांट का भी होता है एनिमल का भी होता है। प्लांट जैसे क्या है, कैक्टस। कैक्टस कहाँ पे है, डेजर्ट एरिया में दिखाई देता है। तो द प्लांट इज अवेलेबल इन डेजर्ट वेयर स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज ए मेन प्रॉब्लम। डेजर्ट में वाटर क्या है, घाटती है, क्राइसिस है। फॉर रिटेनिंग वाटर एंड इवेडिंग वाटर लॉस थ्रू बॉडी सरफेस सेवरल एडाप्टिव फीचर्स आर फाउंड। तो वाटर से क्या, वाटर का जो क्राइसिस है उसको फुलफिल करने के लिए बॉडी में कुछ फीचर दिखाई देता है। जैसे लीव्स आर वांटिंग और रिड्यूस इन नंबर, लीव्स का नंबर कम होता है, क्योंकि लीव्स का नंबर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी ज़्यादा हो जाएगा, तो पानी ज़्यादा बाहर चला जाएगा बॉडी से। लीव्स मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स एंड दोज आर वॉक्सी। लीव्स थॉर्न्स में बदल जाता है कांटा में, एंड वॉक्सी। प्रेजेंस ऑफ सनकेन स्टोमाटा, सनकेन स्टोमाटा माने जो स्टोमाटा ड्राई कंडीशन में क्लोज हो जाता है टू लिमिट मॉइस्चर। स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा पानी बॉडी से नहीं निकलेगा, पानी निकलना ज़्यादा बंद हो जाएगा। तो सनकेन स्टोमाटा बोलता है इसे, जो ड्राई कंडीशन में क्लोज रहता है। प्लांट्स आर विथ शॉर्ट स्टेम्स विच इन मेनी केसेस आर सिलिंड्रिकल बट समटाइम्स दे आर ग्लोब्यूलर। प्लांट में शॉर्ट स्टेम है, स्टेम छोटा है, सिलिंड्रिकल। और कैक्टस में जो स्टेम है वो एकदम फ्लेसी
ग्रीन कलर जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, इस स्टेम को बोलता है फाइलोक्लेट। प्रेजेंस ऑफ डीप रूट, एकदम बहुत नीचे रूट चला जाता है वाटर कलेक्ट करने के लिए। स्टेम इज ग्रीन विथ क्लोरोप्लास्टिड एंड थिक क्यूटिकल। ग्रीन कलर माने क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्टिड प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस है। तो ये होच्छे कैक्टस का मॉर्फोलॉजिकल फीचर। और क्या है? स्विम ब्लैडर इन फिश। इन बोनी फिशेज स्विम ब्लैडर इज ए गैस फील्ड ऑर्गैन। स्विम ब्लैडर में क्या है? गैस फील्ड है। प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्पाइनल कॉलम इन द बॉडी कैविटी। ठीक बॉडी कैविटी का मिडिल पोर्शन में जो स्पाइनल कॉलम है उसके नीचे ही है स्विम ब्लैडर। टू स्टे इन इट्स करेंट डेप्थ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ एनर्जी इन स्विमिंग। अर्थात एनिमल को, फिश को क्या करता है, वाटर में ठीक बैलेंस मेंटेन करके एक बार ऊपर एक बार नीचे होने से हेल्प करता है। फिश पानी के अंदर क्या करता है, ऊपर में भी चला जाता है, वहाँ पे फ्लोटिंग करता है, फिर कुछ कुछ टाइम पर नीचे में भी चला आता है। तो इसके लिए स्विम ब्लैडर हेल्प करता है, बायोंसी मेंटेन करता है। इट अपीयर्स एज टू गैस फिल्ड सैक्स आर लोकेटेड इन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ ए फिश हैविंग फ्लेक्सिबल वॉल्स दैट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू एम्बिडियंट प्रेशर एंड कंट्रोल द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और टू गैस फिल्ड सैक है डॉर्सल पोजिशन में है, जिसको एक बार एक्सपेंड और एक बार कॉन्ट्रैक्ट ये करके टू हाई प्रेशर, जब पानी में ज़्यादा प्रेशर होता है, जैसे ओशन का जो वाटर है उसमें प्रेशर ज़्यादा है, एंड कंट्रोल द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे आता है, ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है। रेड ग्लैंड प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर प्रोड्यूसिंग ए गैस। एंटीरियर पोर्शन में है रेड ग्लैंड जिसमें जो क्या करता है, गैस प्रोड्यूस करता है, दैट हेल्प द फिश टू फ्लोट। और इस गैस के वजह से फिश फ्लोटिंग रहता है। और पोस्टेरियर पार्ट है एक नेटवर्क ब्लड वेसल जिसे बोलता है रेटिया मिराबिलिया व्हिच एब्जॉर्ब द गैस एंड हेल्प द फिश टू गो डीप इन द वाटर। जो गैस को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और पानी के नीचे चला जाता है डीप। खाले रेड ग्लैंड में जो गैस प्रोड्यूस होता है उसमें से फिश का बॉडी लाइट हो जाता है, वो ऊपर पोर्शन में चला जाता है। और रेटिया मिराबिलिया जो लास्ट पोर्शन में है वो गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर फिश क्या करता है, नीचे चला आता है। द वॉल ऑफ द ब्लैडर कंटेन्स वेरी फ्यू ब्लड वेसल। ब्लैडर का वॉल में ब्लड वेसल है एंड आर लाइंड विद गुआनाइन क्रिस्टल दैट मेक द ब्लैडर इम्परमियबल टू गैस। और कुछ क्रिस्टल है जो ब्लैडर को इम्परमियबल टू गैस एंड हेल्प द फिश टू गो डाउन। और फिश क्या करता है, उस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर फिश नीचे चला जाता है। तमाम रेड ग्लैंड गैस फॉर्म करता है जिसके वजह से वो लाइट होके उसका जो ब्लैडर है फूल जाता है और ऊपर चला आता है। और रेटिया मिराबिलिया है गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर क्या होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसका जो फूलना है वो कम हो जाता है और फिर वो नीचे चला आता है। ऐसा करके फिर एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसा स्विम ब्लैडर के द्वारा। बुक में दिया है स्विम ब्लैडर में देखो दो पोर्शन है, सामने रेड ग्लैंड है और इसके पीछे है रेटिया मिराबिलिया। तो रेड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये गैस फॉर्म करता है और गैस प्रोड्यूस के बाद ये फूल जाता है और फूलने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर चला आता है, लाइट हो जाता है, तो ऊपर में फ्लोटिंग करने के लिए हेल्प करता है। फिर ये गैस जो नेक्स्ट पोर्शन में चला जाता है रेटिया मिराबिलिया में, यहाँ पे ब्लड वेसल है, गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है,
फिर उसका फूलना एकदम कम हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे चला आता है गोभी माने डीप वाटर में। तो ऐसे फिश एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे जाता है। अच्छा नेक्स्ट होच्छे एयर सैक इन बर्ड। बर्ड में एयर सैक है तो इसीलिए बर्ड बहुत दूर तक उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है। एयर सैक्स आर एयर फिल कैविटीज व्हिच आर कनेक्टेड विद लंग्स इन बर्ड्स, जो बर्ड्स का लंग्स के साथ कनेक्टेड है। द एयर फिल कैविटीज हेल्प द बर्ड्स इन फ्लाइट एंड सिंगिंग। सिंगिंग बर्ड जो सिंगिंग करता है, जो फ्लाइट करता है, इसके लिए हेल्प करता है एयर फिल कैविटी। एयर सैक, सैक की तरह स्ट्रक्चर है लंग्स के साथ जुड़ा हुआ, जिसमें एयर फील्ड होता है ऑल टाइम। देयर आर टू सेपरेट सेट्स ऑफ एयर सैक्स, कॉडल कंटेनिंग एब्डोमिनल एंड कॉडल थोरासिक एयर सैक एंड द क्रेनियल विथ सर्विकल क्लेविकुलर एंड क्रेनियल। एक होच्छे कॉडल एयर सैक और दूसरा होच्छे क्रेनियल एयर सैक, टू टाइप एयर सैक है। साथ नेटवर्क ऑफ एयर सैक रिड्यूसेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी और बर्ड्स मेकिंग देम लाइट। एयर सैक बॉडी को लाइट कर देता है और लाइट होने के बाद वो ऊपर चला जाता है। बिसाइड्स देयर प्रेजेंस ऑल्सो इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गैस एक्सचेंज। और एयर सैक के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ड्यूरिंग फ्लाइट व्हेन मोर एनर्जी इज नीडेड, जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जितना दूर उड़ेगा उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। वो किसके द्वारा लेता है? एयर सैक के द्वारा।